सो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज पवन। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं बजाज की पल्सर 125 बाइक के बारे में। हम आपको बताएंगे कि अगर आप सितंबर 2022 के अंदर परचेस करने की सोच रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको नवरात्रि का फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, तो इस मंथ के अंदर आपको क्या क्या डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और किस प्राइस पर देखने को मिल जाता है। और इस वीडियो में हम उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जब आप बजाज के शोरूम में विजिट करने जाओगे ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको बजाज वाले देंगे ना, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बाइक के स्पेसिफिकेशन बताएंगे, फुल प्राइस डिटेल बताएंगे, सभी वेरिएंट की प्राइस बताएंगे, आपको डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे, फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बताएंगे, और ईएमआई की कैलकुलेशन भी बताएंगे, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर के बारे में बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। तो अगर गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जेंटलमैन बाइक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बजाज पल्सर 125 के इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जब आप कोई नई बाइक को खरीदते हो ना, तो जो उसके सबसे मेन जो चीज़ होती है वो उसका इंजन ही होता है। तो पल्सर 125 का इंजन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पावरफुल है। मैं पिछले 3 साल से पल्सर 125 बाइक को यूज़ कर रहा हूँ, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 124.4 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। जिसकी बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, तो 11.8 पीएस की मैक्सिमम पावर इंजन जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 10.8 एनएम की मैक्सिमम टॉर्क इंजन देता है। 12 अलग अलग कलर्स में इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और 4 डिफरेंट वेरियंट में अवेलेबल। तो सभी वेरिएंट की एक बार हम आपको प्राइसिंग की बता देते हैं। तो गाइस, जो ये प्राइसिंग होने वाली है ना, ये ऑन रोड जयपुर की प्राइसिंग होने वाली है। अगर गाइस आपको आपकी सिटी की प्राइसिंग जाननी है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो, हम आपको आपकी सिटी की प्राइसिंग बता देंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो इसका फर्स्ट जो वेरिएंट आता है ना, वो आता है नियॉन ड्रम CBS, जिसकी प्राइसिंग आपकी 99,000 रुपये की देखने को मिल जाती है ऑन रोड जयपुर। जो कि इसका सेकंड वेरिएंट आता है ना, वो आता है स्प्लिट सीट ड्रम। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट के साथ में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे दोनों ही तरफ। तो इसकी प्राइसिंग आपकी 1,02,885 रुपये की देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं जो इसका थर्ड जो वेरिएंट आता है ना, वो आता है डिस्क CBS, जिसकी प्राइसिंग आपकी 1,05,864 रुपये की देखने को मिल जाती है। अब जो इसका फोर्थ वेरिएंट आता है ना, वो आता है स्प्लिट सीट डिस्क, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1,09,029 रुपये की ऑन रोड प्राइस जयपुर की आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं बजाज पल्सर 125 को परचेस करने के लिए आपको फाइनेंस के बारे में बताते हैं एक बार, क्योंकि देखो कैश में परचेस करोगे तो काफ़ी इजी प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, बट जब आप बाइक को फाइनेंस में परचेस करते हो ना, तो वहाँ पर जो प्रोसेस रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो जो उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की जो नीडेड रहती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है ना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शोरूम पर देने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, 2 फोटो देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, रेंट पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। तो इस टाइप के आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीडेड रहेगी बजाज के शोरूम में फाइनेंस के लिए। अब बात करते हैं कि डाउन पेमेंट आप बजाज पल्सर 125 को परचेस करने के लिए कितना दे सकते हो। तो मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो 15,000 रुपये दे सकते हो, और अगर आप एक ऐसा डाउन पेमेंट देना चाहते हो जिसमें आपकी बाइक की प्राइसिंग नॉर्मल रहे, ज़्यादा हाई नहीं जाए, तो आप 25,000 या फिर उससे ज़्यादा डाउन पेमेंट दे सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.5% की इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाती है। अब एक बार हम आपको ईएमआई की कैलकुलेशन बता देते हैं कि आप 15,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हो या फिर 25,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हो ना, तो दोनों ही डाउन पेमेंट पे आपकी ईएमआई की कैलकुलेशन क्या जाएंगी उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आप 15,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हो ना, तो आपकी 3,553 रुपये की 36 महीने की किस्तें जाएंगी, और बात करते हैं 2 साल की तो 4,234 रुपये की आपकी 24 महीने की किस्तें जाएंगी 15,000 रुपये के डाउन पेमेंट पे 10.5% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और अगर आप 25,000 रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हो ना, तो 2,632 रुपये की 36 महीने की किस्तें जाएंगी। वहीं बात करते हैं 2 साल की तो 3,650 रुपये की 24 महीने की किस्तें जाएंगी। तो इस टाइप का प्रोसेस आपको कुछ 25,000 रुपये के डाउन पेमेंट पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो ना, तो आप हमारे चैनल जेंटलमैन बाइक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, इस वीडियो में हमने आपको वो इन्फॉर्मेशन बताई जब आप बजाज के शोरूम में विजिट करने जाते हैं ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको बजाज वाले बताते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में बता दी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक।
इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है ना तो आपको आगे की वीडियो में हमारी इंस्टाग्राम की लिंक देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पर आके हमसे कमेंट करके हमसे कॉन्टैक्ट करके कुछ पूछ सकते हो, हम वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्ट। और गाइज अगर आपको डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना है ना तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, पवनपाल02 के नाम से हमारे इंस्टा आईडी, आप वहाँ पर आ सकते हो, हम आपको सजेस्ट करेंगे बेस्ट बाइक जो आपके लिए रहेगी, क्योंकि यार यूट्यूब पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो हम आप सबके कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई दे नहीं पाते। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे आओगे ना तो हम आप सबके कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे, तो जल्दी से आना इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में शो हो रही होगी, तो जल्दी से आना गाइज इंस्टाग्राम पे।